अडानी मामले में कांग्रेस सड़क से संसद तक प्रोटेस्ट कर रही है। देशव्यापी प्रोटेस्ट का असर चंडीगढ़ में भी देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SBI दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार और अडानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस संसद से सड़क तक प्रदर्शन कर रही है। आज देश भर में कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। चंडीगढ़ की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सड़कों पर उतरी है। और पीछे देखिए, ठीक इसके पीछे SBI का दफ्तर है और SBI के दफ्तर के ठीक सामने यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। और आज जिस तरीके से बाजार खुला, तुरंत उसके बाद ही जो शेयर है वो 5% एक बार फिर से गिरे हैं। कुल मिलाकर अभी तक अडानी के 60% शेयर में गिरावट आई है। यही वजह है कि लगातार विपक्ष सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान HS लक्की जी मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से शेयर में लगातार गिरावट आ रही है, कांग्रेस हालांकि संसद में भी इसे उठा रहा है, आज सड़कों पर उतर आए हैं, लगता है आपको कि जांच हो पाई? मैं बिल्कुल, आज चंडीगढ़ कांग्रेस यहां पर सड़क पर खड़ी है जांच की मांग करने के लिए। अडानी समूह के खिलाफ भी और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की संलिप्तता के बारे में भी आज यहां जांच करने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। और ये तब तक हम यहां पर इनके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। देश के निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया जो अडानी समूह के द्वारा पानी में डुबोया गया है, क्योंकि उनकी अनियमितताओं के चलते एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसके बाद लोगों की आंखें खुली, उनका शेयर धड़ाम से गिर गया। और जो लोगों का पैसा था, निवेशकों का पैसा था उनके शेयर में लगा हुआ, या LIC या SBI या अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का पैसा था, 80,000 करोड़ रुपए बैंकों का ऋण था और LIC के 39 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स का या 45 करोड़ SBI के अकाउंट होल्डर्स का पैसा जो था वो इसके अंदर फंसा हुआ है। आज मोदी सरकार 3 दिन से चुप है, संसद में भी लोग आवाज उठा रहे हैं, सड़क पर भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए कांग्रेस का ये प्रदर्शन जिस तरीके से सड़क में चल रहा है, आप देखिए एक बार फिर तस्वीरों में आपको दिखा देते हैं किस तरीके से राष्ट्रव्यापी आंदोलन आज कांग्रेस का यहाँ पर चल रहा है। और सीधा सीधा आरोप है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आम जनता का पैसा है वो कहीं ना कहीं जो अडानी है वो उन्होंने इस्तेमाल किया है और वो देश छोड़कर भी भाग सकते हैं, इस तरीके का कांग्रेस का आरोप है। लिहाजा ये देखना होगा कि क्या जांच की जाती है या नहीं। बहरहाल जो राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई है उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।